नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता कर कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि जो भी ऐसे प्रत्याशी जिनके खिलाफ आपराधिक इतिहास रहा हो, वह प्रत्याशी 3 बार अपने से प्रेस के माध्यम से पूरा डिटेल प्रकाशित करवाएंगे। वहीं सभी प्रत्याशी को इस बात की सूचना दे दी गई है, कई मुख्य बातों की जानकारी भी दी गई है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर SSP आशीष भारती ने बताया कि 2 फेज में मतदान होना है। अभी तक 257 लोगों के विरोध CC एक्ट की सूचना भेजी जा चुकी है। वहीं 51 स्थान पर चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग की जा रही है। 174 सेक्टर लगाया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। चुनाव शांतिपूर्ण कराया जाए, इसके लिए भागलपुर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयार है। जो द्वितीय चरण के अंतर्गत जिन विधानसभा क्षेत्रों में नॉमिनेशन प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है, नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके संबंध में विस्तार से बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस जिले में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण में कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का नाम निर्देशन समाप्त हो चुका है और आज से द्वितीय चरण में 5 जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, गोपालपुर, बिलपुर, नाथनगर, भागलपुर सदर और पीरपैंती, आज से इसका नॉमिनेशन शुरू हो गया है और नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020 है, जो कि शुक्रवार का दिन है। 16 अक्टूबर 2020 तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। नॉमिनेशन जो प्राप्त रहेंगे, नाम निर्देशन के जो भी प्रपत्र प्राप्त रहेंगे, उसकी समीक्षा स्क्रूटनी 17 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन की जाएगी और अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर सोमवार है और पूरी यह निर्वाचन प्रक्रिया जो ये जो वोटिंग होनी है, इसका 3 नवंबर को मतदान होना है इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में। इन सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, भागलपुर सदर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जो कि अपने अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उनके यहाँ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसी प्रकार नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपर समाहर्ता राजस्व है, अपर समाहर्ता राजस्व के कार्यालय प्रकोष्ठ में नाम निर्देशन प्राप्त किया जाएगा। बीरपुर के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता नौगछिया निर्वाची पदाधिकारी है, उनके द्वारा भी BCR के कार्यालय प्रकोष्ठ में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसी प्रकार गोपालपुर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया निर्वाची पदाधिकारी है, उनके द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी के लिए निर्धारित चिन्हित कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्वाचन प्राप्त किया नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। पीरपैंती के लिए, जो कि सुरक्षित सिटी है, यहाँ के लिए PCLR कहलगांव निर्वाची पदाधिकारी है, उनके द्वारा भी PCLR के लिए निर्धारित जो कार्यालय प्रकोष्ठ है उसमें नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक वैसे कैंडिडेट जिनका कोई क्रिमिनल एंटीसिडेंट रहा है, उनको 3 स्तरों पर उनके द्वारा खुद से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित करना है वो जो एंटीसिडेंट है उसके बारे में, तो ये उनके द्वारा ही किया जाना है और ये अब प्रक्रिया शुरू होगी। इसको हम लोगों ने सभी कंसर्न जितने भी कैंडिडेट्स ने भी नॉमिनेशन किया है, सभी को इसके बारे में संसूचित कर दिया गया है और उनके द्वारा इसको अनुकरण कराया गया है। के बैठकें हमारे और SP साहब के द्वारा भी की गई थी, कुछ समिति के लोग आए थे और इसके अतिरिक्त SDO स्तर पे भी और DSP स्तर पे इसकी बैठक की गई है और यहाँ के डिपार्टमेंट द्वारा, गृह विभाग के द्वारा भी निर्देश निकाला गया, जिसके आरोप में हम लोग आज निर्देशित कर देंगे। सामान्यतः इसमें यही है कि पंडाल एवं मूर्ति का स्थापन खुले स्थानों पर नहीं किया जाना है,
लेकिन इस पर विशिष्ट और विशेष गाइडलाइन हम लोग आज इश्यू कर देंगे जो आप लोगों को मुहैया कराते हैं। चुनाव को लेकर अब तक जो कार्रवाई हुई है वर्तमान में हम लोग सभी जान रहे हैं कि भारत के होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन के आलोक में बिहार सरकार द्वारा जो भी निर्देश निकाले गए हैं उसके आलोक में पूरी तैयारी की गई है। प्रत्येक नाम निर्देशन स्थल पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और फोर्स लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का अनुपालन ये सुनिश्चित कराया जाए और जो भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नाम निर्देशन पत्र में लोगों की संख्या को लेकर के उसका पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। और आज से जो सेकेंड फेज का नॉमिनेशन शुरू हुआ है इसमें भी इसको पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो समीक्षा बाकी है, समीक्षा बाकी है और समीक्षा के बाद नाम वापसी वो भी बाकी है, लेकिन अब तक जो कल तक की सूचना है कल तक कुल 18 लोगों ने सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में नॉमिनेशन किया है और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में अब तक कुल 15 लोगों ने नाम निर्देशन किया है। जो रास्ता है सर इसमें तो ऑलरेडी आप लोगों को बताया है और बेस में विज्ञप्ति के माध्यम से विज्ञापन भी हम लोगों ने निकाला है। जो बैठक हम लोगों ने की थी हमने और एसएसपी भागलपुर और कार्यपालक अभियंता एनएच और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठक करके हम लोगों ने निर्धारित किया है कि इस पूरे पद को काफी शीघ्रता से मेंटेन कराया जाना आवश्यक है क्योंकि निर्वाचन के मद्देनजर कई वाहनों का भी मूवमेंट होना है और कई जगह शॉर्ट होल्स हैं। तो 10 तारीख से 17 तारीख का एक ब्लॉक दिया गया है। इस ब्लॉक में कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया है कि इस 7 दिनों की अवधि में उस पद को सुगम बनाना सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए उनके द्वारा व्यापक तैयारी और इंतजाम किए गए और हम लोग आश्वस्त हैं कि इन 7 दिनों में उस सड़क को बेहतर बनाएंगे। इस संबंध में सारी तैयारियां हम लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है और जिले में जो कहलगांव और सुल्तानगंज के लिए जो सामान्य प्रेक्षक हैं सामान्य प्रेक्षक यहाँ आ चुके हैं और उनके मोबाइल नंबर और उनका आवासन भी हम लोगों ने समाचार पत्र में विज्ञापन के लिए दे दिया है। इसी प्रकार व्यय प्रेक्षक भी 2 फेज के लिए अलग अलग हैं। पहले फेज के लिए व्यय प्रेक्षक का भी आगमन हो चुका है। इसी प्रकार पहले फेज के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर है पुलिस प्रेक्षक का भी आगमन हो गया है और इन सभी लोगों के नाम और मोबाइल नंबर और आवासन स्थल हम लोगों ने देशभर विज्ञापन के रूप में दे दिया है। 2 फेजेस में यहाँ भागलपुर में चुनाव होना है तो उसको लेकर के अभी तक कुल 257 लोगों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिसमें से कई लोगों के विरुद्ध जो फाइनल आदेश है वो भी प्राप्त हो गया है। हम लोग आपको जो अपडेटेड जो डेटा है वो शेयर कर देंगे इनके किन किन विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है। और चेक पोस्ट और बैरियर आप लोग देख रहे होंगे कि कई जगहों पर शहर में उसके लिए चेकिंग चल रही है। 51 स्थानों पर चेक पोस्ट और बैरियर लगा करके उसको चेकिंग कराया जा रहा है और हम लोग को जो CAPF उपलब्ध हुआ है 8 कंपनी उसके माध्यम से हम लोग जो महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पे चेकिंग भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो वारंटी और अपराधी की गिरफ्तारी और बूथ वेरिफिकेशन और जो वल्नरेबल जो टोले हैं वहाँ पे जो वल्नरेबल लोग हैं उनके बीच में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उसको कराया जा रहा है। 174 सेक्टर लगाया गया है जिसमें जो पुलिस पदाधिकारी और बल मजिस्ट्रेट के साथ प्रतिनियुक्त है जो कि लगातार भ्रमणशील रह करके जो वल्नरेबल टोलों को चिन्हित करके वहाँ पे कॉन्फिडेंस मेजर चला रहा है और 18 SST टीम है और 15 FST टीम है जो कि लगातार चेकिंग कर रही है या भ्रमणशील रह करके जो भी मामले आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित उसको निराकरण कराती है और सभी लोगों के साथ बैठक की गई है जिसमें जो बॉर्डर स्टेट के जो पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी है और साथ में जो हमारे जिले के जो पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके साथ बैठक की गई है और इसको शांतिपूर्ण कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। और अभी तक करीब 1551 आर्म्स का सत्यापन किया गया है और साथ में उसमें से 220 को जमा भी करा लिया गया है डिपॉजिट कराया गया है। 6 शस्त्र को जब्त किया गया है और 5 जो आर्म्स है उसका लाइसेंस या कैंसिलेशन
कराया गया है। आदर्श जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जो ये गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन करने वालों के हैं और करीब 15,566 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई का प्रस्ताव समाप्त किया गया है, जिसमें कई सारे लोगों के विरुद्ध मतलब बॉन्ड भरा जा चुका है और लगातार जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है और 4,023 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जनवरी से लेकर के अभी तक और करीब 1217 बिलेबल वारंट और 1954 नॉन बिलेबल वारंट और 307 कुर्की का निष्पादन जनवरी से लेकर के अभी तक किया गया है। शराब के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है और 20,000 लीटर देसी विदेशी शराब और करीब 19,000 लीटर स्प्रिट को जब्त किया गया है। 4 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। 88 देसी अग्नियास्त्र का बरामद किया गया है। 168 कारतूस को बरामद किया गया है और साथ में जो वाहन चेकिंग के क्रम में करीब 13 लाख रुपए बरामद किया गया है। और आज ये जगदीशपुर थाना क्षेत्र में जो सीएपीएफ बल के साथ छापेमारी की जा रही थी तो वहाँ पे जो देसी शराब बनाते हैं उसको भी वहाँ पे ध्वस्त किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की।